उमरिया में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। आज ही के दिन उमरिया भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में दिलीप पांडे की घोषणा हुई थी। उनके सफलतम कार्यकाल में संगठन का विस्तार पूरे उमरिया जिले में हुआ। वहीं भाजपा कार्यकाल का भूमि पूजन भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी द्वारा हुआ। उमरिया जिले के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और ऊर्जा का संचरण हुआ। पूरे जिले के कार्यकर्ता इस अवसर पर अपनी अपनी खुशियों का इजहार करते हुए नजर आए। जिलाध्यक्ष का कार्यकाल काफी लोकप्रिय हुआ। उनकी लोकप्रियता का परिणाम है कि आज भाजपा हर बूथ पर सशक्त होकर उभरी है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से आज हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। संवेदनशील मुख्यमंत्री और वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी को आज हर समाज वर्ग में सराहा जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने अनवरत प्रवास करते हुए सभी वर्गों को सरकार से जोड़ते हुए संगठन की नीतियों से अवगत कराया। आज उमरिया जिले का प्रत्येक युवा भाजपा से जुड़ना चाह रहा है। संगठन की कार्य पद्धति और रीति नीति का कायल हर समाज है। पांडे ने सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वर्ग का मार्गदर्शन लेते हुए अत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को चरितार्थ किया। ऐसा पहली बार हुआ जब संगठन के सारे कार्यक्रम जिले में क्रियान्वित होते नजर आए। वहीं सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ भाजपा के परम चम को बुलंद करते दिखे। दिलीप पांडे जी का अध्यक्ष का कार्यकाल अद्वितीय और अनुपम रहा। उमरिया जिले के 10 मंडल और 585 मतदान केंद्र में भाजपा सशक्त और समृद्ध दिखी। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के 2 वर्षों के सफलतम कार्यकाल को लेकर जिले और प्रदेश के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पांडे ने कहा कि मेरे द्वारा भाजपा से हर घर को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। संगठन के निर्देशों का अक्षर सह पालन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य हर घर में कमल खिलाना, हर व्यक्ति को भाजपा से जोड़ना और भारत भूमि को परम वैभव तक ले जाकर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। इस संकल्प के साथ भाजपा का कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग से संगठन के विस्तार में लगे इसे नियमित सतत प्रयास किया जाएगा। पांडे ने जिले के समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। सर्वप्रथम तो मैं हमारे उमरिया जिले के समस्त कार्यकर्ताओं के स्नेह सहयोग और विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज उमरिया जिले के एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से हम भारतीय जनता पार्टी की ध्वज पताका को हर घर तक पहुंचाने के लिए, हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए इन कार्यकर्ताओं के दम पर ही सफल हो पाए हैं। आज उमरिया जिले में बूथ डिजिटलाइजेशन का काम 100% सम्पन्न हुआ। निश्चित ही कहीं न कहीं मेरे सारे कार्यकर्ता ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुओं भगिनी का सहयोग रहा, तब कहीं जाकर हम इस कार्य को संपन्न कर पाए। मित्रों, मैं आज आप सभी लोगों को यह बता देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने का प्रयास करता है। आज हमारे पास वैश्विक नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जैसा चेहरा है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, ऐसे नाम हैं कि जिन नामों के सहारे अगर हम कहीं भी किसी बात की चर्चा करते हैं लोग खुद बखुद हमसे जुड़ने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत का नाम बढ़ाया है, निश्चित ही पूरा देश आज उनकी जय जयकार कर रहा है। और ऐसे वैश्विक नेता के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आज हम माननीय मोदी जी के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर जहां बना रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता सतत आगे आकर माननीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, शिवराज जी से जुड़ना चाह रहे हैं। आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसी एसेट है, संपत्ति है, शिवराज सिंह चौहान जी, विष्णुदत्त शर्मा जी ऐसे लोग हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी का इतना विशालकाय परिवार हो गया है। आज वैश्विक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर ही हम चुनाव या रचनात्मक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार के आयोजन है माने देखते ही देखते पूरे कर लेते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत जुड़ी हुई होती है, मेहनत लगी हुई होती है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका स्नेह सहयोग और आशीर्वाद मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे, हम निश्चित ही हम उमरिया जिले को मध्य प्रदेश में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उमरिया से राजश्री मिश्रा की ये रिपोर्ट।